अच्छा अच्छा वोट डालने जा रही हैं। हाँ, 5 साल बाद ये वोट डालने का जो ये आता है चुनाव, इसे आप कैसे मतलब उत्साह से मनाती, जाना जरूरी है? नहीं जाना जरूरी है, मना डालना चाहिए सबको है। घर में आपने सबको जागरूक किया, सबको डलवाया वोट? हाँ, सब डलवाया। क्या नाम है आपका? मीठा जी। तो वोट डालने जा रही हैं, घर में सारे लोग वोट डालने गए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? शशि शर्मा। तो सारे लोग वोट डालने जा रहे हैं? हाँ भैया। अच्छा, सबको जागरूक करिए वोट डालने के लिए, है ना, वोट डालना जरूरी होता है। ठीक है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह बराबर यहाँ पे भीड़ बनी हुई है, लोग आ रहे हैं। दोपहर करीब 2:45 बज चुका है, लेकिन मतदान से लोग जागरूक हैं और बराबर यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं। महसपुरा जो भित्री विधानसभा में है, हम मौजूद हैं महसपुरा ठकुरान जो बरेली भित्री 123 में आता है, और प्राथमिक विद्यालय में हम मौजूद हैं। देख सकते हैं लोगों को मतदान को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है, और लगातार लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बराबर वोटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन कर रखा है, मास्क लगाए हुए लोग, और एक मतदान का महोत्सव जो चल रहा है, किस तरह लोगों में भीड़ भाड़ भी है। अब बात करते हैं भाई साहब, मतदान को लेकर कैसे जागरूक हैं मतदाता? मतदान में उत्सुक है ना, अंदर इच्छा की हम वोट डालने की? बिल्कुल। तो 5 साल बाद जो ये त्यौहार आया है मतदान का, है ना। और आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मीठा सागर। तो कितनी देर हो गई यहाँ पे आए? अंदर जोश है, जज्बा है वोट डालने का, और आप लोगों को जागरूक भी कर रहे होंगे गांव में सबको वोट डालने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? सचिन जी, कैसा लग रहा है 5 साल बाद ये आया है महोत्सव जो आता है, इसे महोत्सव कहे तो चुनाव, तो इसे कैसा लग रहा है आपको, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है हमें देखते हुए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, और बहुत मजबूती से, बहुत अनुशासन से यहाँ पे सारा चुनाव प्रक्रिया चल रही है। और ये भित्री विधानसभा है, इसका महेशपुरा ठकुरान प्राथमिक विद्यालय में हम मौजूद हैं, देखिए। और काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आते हमें दिखाई पड़ रहे हैं आसपास में, लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता है, महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। अच्छा, अभी जी हाँ सही है, तो वोट डालने जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? लग रहा है। 5 साल बाद ये आता है वोट डालना, और घर में सबसे डलवाया वोट नहीं? सब आ रहे हैं डालने। सब आ रहे हैं डालने। सबको जागरूक करिए वोट डालने के लिए, क्योंकि ये एक 5 साल में एक बार ही त्यौहार आता है। कुमार प्रसाद, सुनीत मिश्रा, प्रजातंत्र टीवी, बरेली। सबने वोट कर दिया? हाँ, तो अंगूठा दिखा दो, वोट कर। इसमें मौजूद है हम 123 भित्री विधानसभा की ग्राम पंचायत चौबारी में। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आखिर चौबारी ग्राम पंचायत के अंदर अब तक कितना परसेंट वोटिंग हो चुका है। सर कितना परसेंट वोटिंग आपके सामने हो चुका है? 70 वोट है, जिसमें से 1250 वोट अभी तक पड़ चुके हैं। 1250 वोट, और समय हो रहा है लगभग 2:45 के आसपास समय हो रहा है, और 2:45 बजे तक आप देख सकते हैं कि कम से कम 70% तक इस ग्राम पंचायत चौबारी में वोटिंग हो चुका है। कैसा है चुनावी माहौल अपने गाँव का? चुनावी माहौल केवल योगी और मोदी जी, बीजेपी का माहौल है, केवल लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और योगी सरकार की नीतियों को देखते हुए हमारा पूरा गांव, समाज अधिकतर 70% भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी सरकार बनाना चाहते हैं। कितने वोट हैं आपकी यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर? 2070 वोट में अब तक लमसम 70% आपके गांव में वोटिंग हो चुकी है। ठीक है,